हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोग के सामने शेयर कर रही हूँ व्लॉग। और इस व्लॉग में हम लोग कुछ आज इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोग के सामने शेयर करूँगी। कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आप लोग को बतानी है, तो मैं आज इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो कैसे हैं आप सभी, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। और कुछ कुछ चीज़ें जो ग्लिम्स है मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और इन ग्लिम्स के थ्रू मैं बस चिट चैट और कुछ कुछ बातें जो मुझे शेयर करनी है मैं आप लोग के सामने शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। पता है कुछ दिनों में मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मुझे लाइफ के जो लेसन है वो सिखा गया। तो इस लेसन में मैंने ये सीखा कि हमको कभी भी अपना स्टेप पीछे नहीं लेना है, बस आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं रहते हैं, लेकिन सडनली वो चीज़ें ऐसी होते जाती हैं। और कई चीज़ें ऐसी होते जाती हैं कि हमारे हाथों से रेत की तरह, जैसे हम रेत को मुट्ठी में लेते हैं और जितनी उस चीज़ को हम टाइटली पकड़ने की कोशिश करेंगे, रेत उतनी ही फिसलते जाती है, नीचे गिरती जाती है। तो हमें इस एग्ज़ाम्पल से हमें ये सीखने को मिला कि किसी चीज़ को आप पकड़ के मत रखिए, किसी चीज़ के पीछे एकदम से ना जाइए। ये चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, क्योंकि जितनी हम उस चीज़ को पकड़ेंगे वो चीज़ उतनी ही हमसे दूर जाते जाती है। उसी में हमें संतोष करना है, उसी में हमें खुश रहना है। क्योंकि किसी चीज़ को जकड़ के पकड़ के रखने से वो चीज़ बहुत जल्दी ही हमसे दूर चली जाती है। कई बार हम लाइफ में सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उस समय हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है। लेकिन जब वो चीज़ें पार हो जाती है, कुछ समय बीत जाती है, तब हमें ख्याल आती है इस बात के कि नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो चीज़ हमने फेस किया, उस फेस करने के बदले हमें फ्यूचर में जो एक विक्ट्री हमको मिली वो बहुत ज़्यादा वर्थ रहती है। तो फिर जो हमने पीछे जो दुख उठाया वो चीज़ें फिर हमें फीकी लगने लगती है, और उस खुशी के जो हमारे सामने रहती है उसके सामने वो छोटी लगती है। इसलिए हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना है, आगे बढ़ना है, और किसी बात में हमें कंप्लेंट्स नहीं करना है। ये चीज़ों को मैंने सीखा है और ये चीज़ को मैं अपने लाइफ में अमल कर रही हूँ। तो यहाँ पे वीडियो की बात करें तो मैं और हस्बैंड हम लोग कहीं घूमने के लिए गए हुए थे, क्योंकि वीकेंड था और हमने बोला कि आज कुछ काम नहीं है तो चलो हम घूम के आते हैं। तो हम लोग बस आउटिंग कर रहे थे, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छी हो गई थी और हमने लंच नहीं किया था। तो हमने बोला कि हम डोमिनोज़ में जाके लंच करते हैं। तो जो आगे आगे जो साहब आपको दिख रहे हैं वो मेरे साहब हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं। तो वो आगे चल रहे हैं, मैं पीछे, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो वो आगे आगे जा रहे थे। लेकिन यूजुअली हम जब वॉक करते हैं तो हम साथ में ही करते हैं, या कहीं जाते हैं तो हम साथ में ही करते हैं। तो इस एग्ज़ाम्पल से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अपने पार्टनर के आप साथ रहिए, कदम से कदम मिलाइए, पीछे चलने की कोशिश ना करिए। क्योंकि साथ में चलेंगे तो एक यूनिटी बढ़ेगी, क्योंकि आप दोनों वन यूनिट हैं, तो एक यूनिटी बढ़ेगी। और साथ में रहने से बहुत सारी चीज़ों को आप बहुत ईजिली फेस कर सकते हैं। पिछले दिनों हमने बहुत सारी चीज़ों को फेस किया है साथ में, और बहुत चीज़ों में हम एक दूसरे से हम लोग की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ती गई। वो क्यों? क्योंकि हमारा जो पेट था वो अब नहीं है, तो हम उसके लिए इतना स्ट्रगल किए। हम लोग 1.5-2 महीने तक हमने काफ़ी स्ट्रगल किया। हम उसको कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर उसको ट्रीटमेंट के लिए बाई कार हम लोग लेके गए, और जब डॉक्टर ने बोला कि अब कंडीशन ठीक नहीं है, उसके बाद भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे। और वो सब चीज़ों से हम लोग एक दूसरे के काफ़ी हम लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि कदम से कदम मिलाना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तब आप देखिएगा कि बहुत सारी मुश्किल तो आएंगी, बहुत जल्दी आपकी सॉल्व हो जाएगी।
अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे अपने ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे, तो हस्बैंड कुछ अपने ऑफिस का काम कर रहे थे, लेकिन मुझे तो थोड़ा सा बोर लग रहा था, तो मैं इधर उधर 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 उनसे बस बात करके उनको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन वो बहुत अच्छे से रिप्लाई कर रहे थे और अपना काम को भी करते जा रहे थे। तो ये चीज़ उनकी मेरे को बहुत पसंद आती है कि कम से कम वो ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं दे रहे हैं। देन यहाँ पे हमारा जो लंच था वो आ गया। अच्छा जी, तो मैंने जैसे अपने वीडियो में आपको बताना जो मैं चाह रही हूँ और जो मैंने थंबनेल में डाला कि मैं मायके क्यों नहीं जा पाती हूँ, तो मायके इसलिए मैं जाती हूँ लेकिन ऐसा रुकने के नाम से नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो मम्मी पापा और भाई हैं तीनों सर्विस में हैं, तीनों जॉब में हैं और घर में कोई रहता ही नहीं है, तो मैं जाती हूँ तो बस अकेले ही रहती हूँ, क्योंकि सब अपने अपने ऑफिस और अपने अपने जॉब में चले जाते हैं। तो बस जब हम लोग पहले से हम लोग प्लान करते हैं कि हाँ हम लोग इस दिन मिलेंगे और उस दिन सब अपने अपने काम से छुट्टी लेते हैं, तब मैं जाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं जाती नहीं हूँ, जाती हूँ, लेकिन जैसे बहुत लोग एकदम फ्रिक्वेंटली चले जाते हैं वैसा मेरा जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, तो इस कारण से बहुत ऐसे एकदम से जाना नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं क्या करूँगी जाके, ऐसा लगता है क्योंकि कोई घर में है ही नहीं, सब अपने अपने जॉब में है, तो जिस दिन सबकी छुट्टी रहती है उस दिन तो हम लोग दिन भर के लिए फिर बुक रहते हैं, फिर दिन भर हम लोग साथ में ही टाइम स्पेंड करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं खा रही हूँ लेकिन हस्बैंड फिर फोन पे बात करें क्योंकि उनके उनका ऑफिशियली कॉल आने लगता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग वो फाइनली फोन को रखे, देन हम लोग यहाँ पे खाना स्टार्ट किए। ये हमारे टेरेस की कुछ ग्लिम्स है जो कि हमने कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पे लगाया है, क्योंकि जो प्लांटेशन है फ्लावर्स की वो तो नीचे है लेकिन ऊपर जो हमारा टेरेस था वो खाली था, तो हम लोग वहाँ पे कुछ हमने बोला कि वेजिटेबल ट्राई करते हैं, तो वो कुछ नेट है क्योंकि वो नार वाली पौधे थी तो उनको उसमें चढ़ाना था, और देखिए कितना ब्यूटीफुल उस दिन सनी डे था, इतनी बेहतरीन मुझे व्यू मिल रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत सुंदर। देखिए पहाड़े भी आपको दिख रही होंगी और आसमान कितना नीला और कितना सुंदर, बहुत प्यारा कलर है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिनर का सीन है जो कि चिकन पास्ता हमने कुक किया था, मैंने बनाया था डिनर के लिए, तो उसकी कुछ ग्लिम्स है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट डे की बात है, हम लोग मार्केट गए हुए थे, कुछ काम से गए हुए थे, तो हमको भूख लगी तो हमने बोला चलो चाट वाट खाते हैं, चाट गुपचुप वगैरह, लेकिन चाट गुपचुप अगर हम ठेला में खाते हैं तो उसका खाने का जो स्ट्रीट जो स्टॉल लगाते हैं उसमें खाने का अलग ही मज़ा है, और ऐसे रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का उतना मज़ा नहीं आती है। लेकिन हम लोग तो बहुत लेट हो गया था, हमको मिला नहीं, तो हमने बोला कि यहाँ पे खाते हैं, क्योंकि मुझे तो चाट खानी थी, स्पेशली आलू टिक्की चाट, तो हम लोग गए हुए थे और हम लोग यहाँ पे ऑर्डर किए थे और यहाँ पे बैठ के बस ऑर्डर का ही वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे आ गई है चाट, और मेरे हस्बैंड ने कचौड़ी वाली चाट मंगाई थी और मैंने आलू टिक्की की, और ये हमारा फिर डिनर का कुछ सीन है जो चिकन सिक कबाब थी और कुछ ऑमलेट बनाया हुआ था मैंने और एक चपाती खाई थी। देन मैं यहाँ पे अपने मायके गई हुई थी, तो हम लोग आउटिंग करने के लिए निकले हुए थे और बस थोड़ा सा घूमने के लिए निकले थे, तो उस दिन भी बहुत सुंदर वेदर थी, तो बस मैंने बोला कि इस वेदर को तो अपने फ़ोन में कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो मैंने बस अपना फ़ोन निकाला और मैं इसे शूट करने लग गई, तो देखिए कितनी सुंदर व्यू है कि मैं मेरा दिल आ गया था। और ये एक पिकनिक टाइप की थी, तो हम लोग अपना लंच लेके गए हुए थे, फिर हमने एक जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ पे अपनी गाड़ी को रोकी
और उसके बाद हम लोग यहीं पे लंच किए। देन यहाँ पे फिर हम लोग एक मुझे पेस्ट्री खानी थी, चॉकलेट पेस्ट्री खानी थी, तो मैंने भाई को चलो पेस्ट्री खाते हैं। तो हम लोग की जो मौसा जी है वहाँ पे गए हुए थे और आलमंड चॉकलेट पेस्ट्री मैंने वहाँ पे लिया, तो दो ही लिया क्योंकि मम्मा पापा तो ज़्यादा खाते नहीं हैं केक्स वगैरह ज़्यादा, उनको थोड़ा सा ही टेस्ट के लिए लेते हैं। तो हम दोनों ही एक ही खा लिए, पूरा हमने फिनिश कर दिया, तो यहाँ पे बस वही लिया जा रहा है। कर रहे थे। तो भाई जो है वो आगे जा रहा है, ये मेरा भाई है और वो आगे को जा रहा है, और फिर मैंने भी सीट अपना कैप्चर कर लिया। उसके बाद अंदर आपको देखने को मिलेगा कि मम्मी पापा अंदर बैठे हुए हैं, मैं किसी वीडियो में उनसे पूरी मुलाकात कराऊंगी, और मैं अपने फादर इन लॉ और मदर इन लॉ से भी किसी वीडियो में आप लोग की मुलाकात ज़रूर से कराऊंगी। तो ये छोटी सी ग्लिम्स है, और जो पेस्ट्री मैंने जो ली थी उसकी भी मैंने थोड़ी सी क्लिप्स ले ली यहाँ पे। देन भाई मांग रहा था मुझे दो खाने के लिए, फिर मैं भाई को भी दी क्योंकि वो रुका था जब तक मैं फ़ोटो ना क्लिक कर लूँ, तब तक वो बेचारा पेशेंसली बैठा हुआ था। उसके बाद उसने एक बाइट ली और बोला बहुत अच्छा टेस्टी है। उसके बाद मैंने भी उसे अच्छे से खा लिया, फिनिश कर लिया। देन यहाँ पे हम लोग मॉल गए हुए थे और कुछ कुछ हमें शॉपिंग करनी थी, तो उसके लिए हम लोग मॉल गए हुए थे। और उसके बाद ये मम्मी पापा आगे जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ। उसके बाद हम लोग मॉल गए और कुछ कुछ शॉपिंग करी, देन हम लोग वापस आ गए, और फिर उसके बाद मैं अपने ससुराल आ गई थी। उस दिन काफ़ी रेन भी हो रही थी, काफ़ी बारिश हो रही थी और वेदर बहुत ज़्यादा सुंदर था। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर आपको इस टाइप की व्लॉग्स अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मैं खूब सारे व्लॉग्स लेके आते रहूँगी अगर आप प्यार देते रहेंगे तो। बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू वेरी सून। थैंक यू।